राजधानी देहरादून में 21 जून को FRI में आयोजित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत 50,000 लोग लेंगे हिस्सा। कार्यक्रम की सभी तैयारियां हो चुकी है पूरी। वन अनुसंधान संस्थान FIR में होने वाले योग कार्यक्रम को लेकर पुलिस पूरी तरह हो चुकी है चौकस। कुछ आंदोलित संगठनों द्वारा कार्यक्रम के विरोध को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने कठोर कानूनी कार्रवाई के जारी किए निर्देश। कहा, कार्यक्रम स्थल के पास न फटके। देहरादून में 21 जून को आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संकट के बादल। आयोजन के एक दिन पहले FIR परिसर में निकला सांप। PM की सुरक्षा को लेकर सवाल उठना लाजमी। योग दिवस से एक दिन पहले देहरादून में दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। बारिश से FIR में योग कार्यक्रम स्थल पर की गई व्यवस्था अस्त व्यस्त। मूसलाधार बारिश से तापमान में गिरावट। उत्तराखंड मौसम विभाग का अनुमान, 21 जून को साफ रहेगा देहरादून का मौसम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के सफलता पूर्वक होने की उम्मीद। योग दिवस कार्यक्रम के ठीक पहले रुड़की से एक संदिग्ध गिरफ्तार। गिरफ्तार संदिग्ध बताया जा रहा अफगान नागरिक 3 महीने से अलग अलग नामों के साथ रह रहा था कई राज्यों में। संदिग्ध के पास से कोई दस्तावेज बरामद नहीं। केंद्रीय राज्य ग्रामीण विकास मंत्री रामकृपाल यादव ने अपनी पत्नी संग केदारनाथ पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने नंदी भगवान को हाथ जोड़कर नमन किया। धाम में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों का आभार जताया। नैनीताल हाईकोर्ट ने रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास सरकारी भूमि पर कब्जा करने के मामले में अपनाया सख्त रूप। कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने के दिए आदेश। कोर्ट ने उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए जिनके कार्यकाल के दौरान हुआ था अतिक्रमण। बता दें, कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर गठित की थी जांच कमेटी। जांच कमेटी से पेश की है अतिक्रमण की रिपोर्ट। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर लक्सर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने बहादुरपुर खादर गांव में तालाब की जमीन पर 2 दशक पहले अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए करीब 1 दर्जन अधिक मकानों को किया ध्वस्त। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नैनीताल जिला प्रशासन की टीम ने भवाली में सड़क किनारे हटाया अतिक्रमण। हाईकोर्ट ने प्रशासन को 1 सप्ताह के भीतर भवाली स्थित चिल्ड्रन पार्क और सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाने के दिए थे आदेश। टिहरी डैम बनने के बाद से ही परेशान टिहरी के 415 परिवार विस्थापन की मांग को लेकर 29 दिनों से धरने पर बैठे। पुनर्वास कार्यालय के बाहर दे रहे धरना। पीड़ित परिवारों ने शासन प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। अमेरिका की सबसे ऊंची चोटियों पर फतह हासिल करने वाली अल्मोड़ा की बेटी प्रेरणा डांगी ने पर्वतों की सफाई को लेकर व्यक्त की चिंता। प्रेरणा ने कहा कि एवरेस्ट जैसे पर्वतों में बढ़ रहा कूड़ा करकट जिससे पर्यावरण को हो रहा नुकसान। हल्द्वानी के बिंदु खत्ता गांव को राजस्व गांव बनाने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ निकाली रैली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और तहसील जाकर CM के नाम ज्ञापन भेजा। बता दें कि कई सालों से की जा रही बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने की मांग। बिंदु खत्ता को अभी तक नहीं मिल पाया है राजस्व गांव का दर्जा। प्रदर्शनकारियों का कहना कि शासन प्रशासन लगातार कर रहा इस गांव की उपेक्षा। हल्द्वानी में करोड़ों की लागत से बना कुमाऊं का एकमात्र हार्ट केयर सेंटर रो रहा बदहाली के आंसू। धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रहा हार्ट केयर सेंटर, करोड़ों की मशीन खा रही जंग। बता दें कि हार्ट के मरीजों के लिए कुमाऊं में 10 साल पहले खोला गया था हार्ट केयर सेंटर। 10 साल पहले हार्ट केयर सेंटर में तैनात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विमल पंत की हार्ट अटैक से मौत के बाद हार्ट केयर सेंटर में लटका है ताला। हरिद्वार में पंजाब से आए पर्यटकों और पुलिस के बीच मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट के बाद पुलिस ने परिवार की महिलाओं पर भांजी लाठी। हरिद्वार के अलकनंदा होटल के सामने का पूरा है मामला। 17 जून का बताया जा रहा है वीडियो। बता दें कि हरिद्वार पहुंचे पंजाब के परिवार को अलकनंदा होटल तिहारे पर TSI के रोकने पर हुई थी कहा सुनी। रुद्रपुर की पुलिस ने सिविल लाइन में फर्जी कैलाश अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर चलाने वाले डॉक्टर को किया गिरफ्तार। फर्जी डॉक्टर की गिरफ्तारी से इलाके में मचा हड़कंप।